जय माता दी। दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर इस व्रत को करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में गर्भवती माताएँ जो भी बहनें हैं उनको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो फेरी लगा सकती हैं, क्या वो नए सिरे से व्रत उठा सकती हैं, या वो व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं आज उन प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं अगर वो व्रत करती चली आ रही हैं, पहला प्रश्न, अगर वो करती चली आ रही हैं, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल से करती चली आ रही हैं, तो वो व्रत जो है वो कर सकती हैं। इस साल क्योंकि पेट में बच्चा है तो ऐसे में व्रत जो है वो नहीं उठाना चाहिए। व्रत आप रखेंगे तो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, इसलिए नए सिरे से व्रत जो है वो नहीं उठाना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप पहले से व्रत रख रही हैं तो आप जो है वो व्रत कर सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सुबह जल्दी पूजा कर लेनी है, बहुत ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है, आपको फलाहार करते रहना है, पानी पीते रहना है, जूस पीते रहना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम व्रत करते हैं, खास करके जब जो भी प्रेग्नेंट माताएं बहनें होती हैं, जब इस स्थिति में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप पहले से रख रही हैं तो आप व्रत कर सकती हैं, पूजा कर सकती है, लेकिन जल्दी से पूजा कर लीजिए। सुबह जल्दी पूजा करने के बाद में फलाहार जो है वो कर लीजिए। अगर आपके यहाँ भोजन किया जाता है तो आप भोजन कर लीजिए, फलाहार किया जाता है तो फलाहार कर लीजिए। ज़्यादा देर तक भूखे जो है वो नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपने इसी साल व्रत उठाना है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको व्रत नहीं उठाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं बात करूँगी फेरे की, कि फेरे जो है वो उनको वट वृक्ष के लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, माने ऐसी है कि फेरे जो हैं वो नहीं लगाए जाते हैं वट वृक्ष के। जब जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको वट वृक्ष के फेरे जो है वो इस कंडीशन में, इस स्थिति में नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि आप जो है वो 1-2 महीने 3 महीने तक फेरे जो है वो लगा सकती हैं, 7 महीने के बाद नहीं लगा सकती हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए। लेकिन मान्यता ऐसी ही है कि जो फेरे हैं वो गर्भवती स्त्रियों को वट वृक्ष के फेरे नहीं लगाने चाहिए। पूजा कर लेनी चाहिए पूरी विधिवत, और अगर हो सके तो किसी दूसरे से अपने नाम के फेरे जो है वो लगवा सकते हैं, स्वयं फेरे ना लगाएं। देखिए, एक तो ये भी हो जाता है कि पेट में बच्चा है और ऐसे में दो लोग मिलके फेरे नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर आप फेरे लगाती हैं उस समय आपको चक्कर इत्यादि आ जाते हैं तो फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो सकता है, दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसलिए फेरे जो है वो लगाने के लिए मनाही है। तो जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको फेरे जो है वो नहीं लगाने चाहिए। तो अगर आपने व्रत रखना चाहती हैं तो आप व्रत कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, और जैसे मैंने बता दिया कि अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखें, फलाहार जूस पानी इत्यादि जो है वो पीती रहें। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि पूजा करने के बाद भोजन कर लिया जाता है, एक टाइम मीठा खा लिया जाता है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। भोजन कर लिया जाता है तो भोजन कर लीजिए। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए, और वट सावित्री व्रत जो है वो पूरी विधि विधान से करिए। मतलब इस बार अगर आप बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हैं तो कोई नहीं, अगली साल जब आप उस कंडीशन में होंगी तो आप जितनी भी अच्छी तरीके से फेरे परिक्रमा या पूजा पाठ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। इस बार आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।